नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ लड़कियों को दाढ़ी क्यों आती है? दरअसल कुछ महिलाओं की दाढ़ी और हल्की मूछें आ जाती है, जिसके कारण उन्हें कई बार समाज में बाहर निकलते वक्त अपने मुँह को छुपा कर चलना पड़ता है। चेहरे पर बहुत अधिक बाल होने की स्थिति को हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। अगर अनुवांशिक वजहों के चलते चेहरे पर बाल है तो इसे जेनेटिक हाइपर ट्राइकोसिस भी कहते हैं। बस इसी कारण की वजह से कुछ लड़कियों को दाढ़ी या मूछें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मच्छर खून ही क्यों पीते हैं? दरअसल केवल मादा मच्छर ही खून पीती है। खून में मौजूद प्रोटीन उनके अंडों की रचना के लिए नितांत आवश्यक होने के साथ बेहद दुर्बल भी है। अपनी प्रजाति के जारी रहने और उसकी सुरक्षा और बढ़ोतरी की जिम्मेदारी मादा की होती है और प्रजनन क्रिया इस जिम्मेदारी का सबसे अहम अंग है। प्राकृतिक रूप से यह अंडे देना मादा की सहज वृत्ति का अभिन्न अंग होता है। हालांकि अपना पेट भरने के लिए मादा के लिए फूलों का पराग या रस काफ़ी होता है और नर मच्छर की तरह वो भी इसी पर निर्भर रहती है, परंतु अंडों के लिए जरूरी ये प्रोटीन कहीं भी उपलब्ध न होने की वजह से मादा के पास केवल खून पीना ही एक विकल्प रह जाता है, इसलिए मच्छर मादा खून पीती है। क्वेश्चन नंबर 3, मोबाइल हैक क्यों होता है? दरअसल स्मार्टफोन हैक होने के कारण हो सकता है मोबाइल में कम रैम होना, कम इंटरनल स्टोरेज होना, फोन में वायरस इत्यादि का आ जाना। क्वेश्चन नंबर 4, हाथी के दांत इतने कीमती क्यों होते हैं? हाथी दांत या गजदंत हाथी के उन दो दांतों को कहते हैं जो हाथी के मुंह से बाहर निकले होते हैं और बहुमूल्य माने जाते हैं। पुराने समय में इनसे कई प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं निर्मित की जाती थी, यहाँ तक कि मनुष्य के नकली दांत भी इनसे बनते थे। हाथी दांत के कई सजावटी और व्यवहारिक उपयोग हैं, जिनमें हाथ में पहनने की चूड़ियाँ, कंगन, गहने रखने के बक्से आदि शामिल हैं। प्लास्टिक के इजाद से पहले यह बिलियर्ड गेंदों, पियानो, चाबियों, स्कॉटिश बैकपाइन, बटन और विस्तृत सजावटी सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, क्या मुसलमान भारत के लिए खतरा बन रहे हैं? दरअसल भारत के मुसलमान देशभक्त हैं और दिलो जान से इस देश को चाहते हैं। हजारों मुसलमानों ने इस देश के लिए जान दी है और देने को तैयार भी है। अच्छे बुरे लोग सभी समुदाय में हैं, अतः किसी एक समुदाय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वैसे भी हमें प्रथम अपनी गलतियों को पहचानना एवं सुधारना चाहिए, फिर दूसरों की ओर इशारा करना चाहिए। मुसलमानों के सकारात्मक सहयोग व योगदान को नकारा नहीं जा सकता और अलगाववादी, आतंकवादी, घोर सांप्रदायिक विचारों एवं गतिविधियों को भी सराहा नहीं जा सकता। वास्तविक खतरे में सभी विचारधाराएं हैं जो आदमी आदमी में फर्क करती है, हिंसा सहिष्णुता को बढ़ावा देती है, वैचारिक स्वतंत्रता का हनन करती है और दूसरों पर जबरन हावी होने का प्रयास भी करती है। क्वेश्चन नंबर 6, गाड़ियों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है? दरअसल हाईवे पर बड़ी गाड़ियों के आने जाने के लिए सिर्फ एक लेन ही होती है, जो सभी वाहन चालकों के लिए काफ़ी परेशानियों भरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय पहले जहां ट्रकों के पीछे ओके लिखा होता है वहां लाइट होती थी। यदि किसी को कोई वाहन चालक पीछे से हॉर्न बजाता है तो ट्रक आगे पीछे देखकर उस लाइट को जलाता था और ओवरटेक करने की इजाज़त देता था। सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही अहम है। दरअसल टाटा ऑयल मिल्स लिमिटेड के द्वारा एक डिजाइन लॉन्च किया गया था, जिसके प्रमोशन के लिए सभी ट्रक के पीछे ओके के साथ एक कमल का फूल भी अंकित किया गया था, क्योंकि कंपनी के ब्रांड का चिन्ह कमल के फूल से काफ़ी मिलता जुलता है। इसलिए आज भी ट्रक के पीछे इस चिन्ह को देखा जा सकता है। ट्रक के पीछे लिखी गई इस लाइन का मतलब यह भी होता है कि रोड पर गाड़ियों के बीच की दूरी बनाए रखें ताकि एक्सीडेंट कम हो। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में ट्रक के पीछे ओवरटेक लिखा जाता था, जिससे व्यक्ति ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाकर सचेत कर सके, लेकिन कुछ समय के बाद नए ट्रकों पर ओवरटेक की जगह केवल ओके ही लिखा जाने लगा, जो आज भी आप ट्रकों पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बटन आखिर गोली क्यों होता है? दरअसल इसका कारण यह है कि गोल बटन में कोने नहीं होते, जिसके कारण बटन का कपड़े में उलझने की संभावना न के बराबर हो जाती है। दूसरे कोनेदार बटन प्रायः सोते हुए शरीर में चुपकर घाव बना सकते हैं, इसलिए गोल बटन का ही प्रयोग प्रायः किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8, ठंड में पैरों की उंगलियां क्यों सूज जाती है? दरअसल ठंड के प्रत्येक संपर्क में आने से शरीर की कुछ नसें सिकुड़ जाती है। इसका सीधा असर ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, जिससे हाथों, पैरों और उंगलियों में सूजन आ जाती है। कई बार सूजन के साथ साथ उंगलियों में लालगी, जलन और खुजली भी होने लगती है और कई बार उनमें दर्द भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, लड़कियां पहले प्रपोज क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि आज भी लड़कियों पर काफ़ी जिम्मेदारी होती है, जिसके कारण उन्हें समाज में काफ़ी दब के रहना पड़ता है और कई परिस्थितियों को देखकर चलना पड़ता है। इसी कारण कई बार मन करने के बाद भी लड़कियां प्रपोज नहीं कर पाती और इसी प्रकार से अपना जीवन चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य की आंखों का वजन कितना होता है? दरअसल मनुष्य की आंखों के गोले का वजन 7.5 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आसमानी बिजली कड़कने पर हम मोबाइल स्विच ऑफ क्यों करते हैं? दरअसल जब बादल तेज हवा के कारण इधर उधर से जाते हैं तो एक दूसरे से रगड़ते हैं और इस प्रकार उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज की ओर आकर्षित होता है, इसलिए बिजली धरती पर गिरती है। दूसरी तरफ मोबाइल सिग्नल भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बने होते हैं और यह एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक पहुँचते हैं, तो रास्ते में यदि इन्हें बिजली मिलती है तो बिजली इन्हीं चार्ज के मार्ग पर चलने की कोशिश करती है। वो यही कारण है कि आसमानी बिजली कड़कने पर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन से पहले डॉक्टर मरीज को खाने पीने से मना क्यों कर देते हैं? दरअसल किसी भी ऑपरेशन से पहले डॉक्टर हर मरीज को यह सलाह देते हैं कि सर्जरी के 6 से 12 घंटे पहले कुछ भी खाए या पिए नहीं। अगर कोई भी मरीज डॉक्टर के इन आदेशों का पालन नहीं करता तो उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो मरीज की जान तक ले लेता है। दरअसल एनेस्थिया बेहोश करने वाली दवा होती है, जिसके प्रभाव से शरीर की मुख्य तंत्रिका तंत्र धीमी पड़ जाती है, यानी शरीर की बाहरी और आंतरिक स्वतः चलने वाली क्रिया धीमी हो जाती है। इसके अलावा एनेस्थिया से पाचन क्रिया को चालू रखने वाली क्रियाएं भी धीमी हो जाती है और मस्तिष्क का कंट्रोल भी उन क्रियाओं पर धीमा पड़ जाता है। इससे इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि कहीं मरीज के पेट का भोजन वापस एसोफेगस में ना चला जाए और सांस लेने वाले मार्ग को अवरुद्ध ना कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भोजन फेफड़ों में पहुंच जाए। यदि ऐसा होता है तो इसका फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, महारानी एलिजाबेथ अपने साथ हमेशा पर्स क्यों रखती है? दरअसल महारानी एलिजाबेथ अपने कर्मचारियों को गुप्त संदेश भेजने के लिए पर्स का उपयोग करती है। जब रानी किसी से बात कर रही होती है और इस प्रक्रिया में वह अपना पर्स एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाना शुरू कर देती है, तो इसका मतलब यह है कि वह चर्चा को ख़त्म करने के लिए तैयार है। यदि आप रानी के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने अपना पर्स फर्श पर रख दिया तो यह आपके लिए एक अशुभ संकेत होगा। इस क्रिया का अर्थ है कि रानी आपकी छोटी सी चैट का आनंद नहीं ले रही है और इससे जल्द से जल्द निकलना चाहती है। यदि वह रात के खाने में है और वह अपने पर्स को टेबल पर रखती है तो इसका मतलब यह है कि वह अगले 5 मिनट में इस घटना को समाप्त करना चाहती है। अब बात आती है कि रानी अपने बैग में क्या रखती है, तो यह आइटम उन सभी चीज़ों से अलग नहीं होता है जो सामान्य महिला अपने साथ ले जाती है। एक दर्पण, लिपस्टिक, मिंट, लोजेंट और चश्मा। उनके हैंडबैग में अन्य आवश्यक चीज़ों के साथ हमेशा एक हुक होता है। वह हर बार अपने बैग को लटकाने के लिए टेबल के नीचे हुक लगाती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।